हेलो एंड वेलकम टू प्रॉप गाइड शो। मैं हूं जाहिद अहमद और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अंकुर धवन, चीफ बिजनेस ऑफिसर रीसेल प्रॉप टाइगर से। सर, शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जाहिद। मिस्टर धवन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली NCR में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पिछले कई महीनों से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जेवर जो ग्रेटर नोएडा में है उसमें एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो उस इलाके में, मेरा कहने का मतलब जैसे ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, किस इलाके के रियल इस्टेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, जेवर जो है ना, ये आता है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के अंडर में। अगर आप इसका डिस्टेंस देखते हैं, डिफरेंट पार्ट आपने बात करी जिनकी, अगर नोएडा से कहेंगे तो नोएडा से अराउंड 60 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अगर आप फरीदाबाद देखते हैं तो भी अराउंड 60 किलोमीटर पड़ता है, गाज़ियाबाद से 75 और दिल्ली से अगर जाएंगे तो 80-90 किलोमीटर है। तो ये कोई बहुत पास तो नहीं होगा इन रीजन के लिए। एक बेनिफिट है इसका कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आता है, जिसके कारण इसमें ट्रैवल करना आसान है। आप अगर नोएडा से जाएंगे उस एरिया तक तो आप एक घंटे में आज के टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एरिया बेनिफिट होंगे इसके कारण, वो होंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जिनके लिए आज के टाइम में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने में 2 से 2.5 घंटे लग जाता है। उनको ये एक घंटे का जो सफ़र होगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जेवर का, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। सर, अगर ये एयरपोर्ट आ जाता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि नोएडा की जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो गुड़गांव से आगे चली जाएंगे? देखिए, एज फार एज प्राइसेस कंसर्न है, जो आपने पूछा कि क्या प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मेरा मानना है कि नोएडा के प्राइसेस हमेशा गुड़गांव के प्राइसेस से कम ही रहेंगे। उसका मेजर रीज़न वहाँ की लैंड पॉलिसी अथॉरिटी के जो रूल्स हैं, जिसके कारण नोएडा में गिवन लैंड पार्सल में एक बड़े हमारे जो भी हमारे पास लैंड है उस पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। नोएडा के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि आप लैंड की पेमेंट जो है वो काफ़ी टाइम तक कर सकते हैं, 10 साल तक कर सकते हैं, तो उसके कारण प्राइसेस तो हमेशा कम रहेंगे। पर हाँ, ये क्वेश्चन आपका जरूर अच्छा है कि जब अगर ये एयरपोर्ट आ गया तो क्या नोएडा के प्राइसेस बढ़ेंगे? मेरा मानना है कि हाँ, प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट आज के टाइम में गुड़गांव चले आते हैं नोएडा छोड़ करके एयरपोर्ट के पास होने के लिए, वो कॉर्पोरेट अब नोएडा को भी कंसिडर करेंगे, जिसके कारण यहाँ डिमांड क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे हमेशा ही आएगा। सर, अगर जैसे ग्रेटर नोएडा में अगर एयरपोर्ट आ जाता है तो जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा है उसका जो कॉर्पोरेट डिमांड है, क्या वो राइज हो जाएगा? मतलब जैसे बहुत सारी कंपनीज़ है जो अभी गुड़गांव में सेटल्ड हैं या फिर नोएडा नहीं आना चाहती हैं बिकॉज़ यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो क्या वो मतलब वापस यहाँ पे आने का प्लान करेंगी? नहीं, बदलेगा, श्योरली बदलेगा। अगर ये एयरपोर्ट आता है तो काफ़ी कॉर्पोरेट आज के टाइम में जो NCR में आना चाहते हैं वो सारे के सारे गुड़गांव जाते हैं। जैसे वो कंसल्टिंग हैं या बैंकिंग कंपनीज़ हैं या FMCG कंपनीज़ हैं, उनके सबके हेड क्वार्टर्स जो होते हैं वो हमेशा गुड़गांव में रहें, क्योंकि हेड क्वार्टर में जनरली जो लोग वर्क करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को जनरली कम्यूट करना होता है एयरपोर्ट से। जब ये ऑप्शन नोएडा में आ जाएगा तो काफ़ी कॉर्पोरेट नोएडा में आएंगे और यमुना एक्सप्रेसवे में आएंगे, जहाँ पर कि काफ़ी लैंड अवेलेबल है फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो इसलिए मुझे मानना है कि अगर ये एयरपोर्ट आया तो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मार्केट को बेनिफिट करेगा। प्रॉप टाइगर शो पर आने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।